सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मनुष्य को चाहिए कि क्रोध को दया से, बुराई को भलाई से परास्त करे। आपका दिमाग जिसकी कल्पना करता है वही आप हासिल करते हो। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसे भी क्यों ना हो। कमल तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। आज का पंचांग 18 अप्रैल 2021 दिन रविवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि, रात्रि 10:35 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 5:02 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:10 से 6:45 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। मकर राशि 18 अप्रैल 2021 दिन रविवार, आप अच्छे आसानी से सब काम करके जीवन की स्कोप को बड़ा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखें और अपनी सारी ऊर्जा उनमें लगा दें। ऐसा कुछ भी किसी को न कह बैठे जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दे। बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुले आउटलेट्स को नया रूप आप दे सकते हैं। आज कामकाज की अधिकता रहेगी, उचित परिणाम भी हासिल होंगे। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब रहेंगे तथा शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं भी बनेगी। अगर वाहन खरीदने की योजना बन रही है तो समय अनुकूल है। अलग अलग प्रकार के कामों को पूरा करने की कोशिश में कोई भी काम आपके द्वारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। जो काम महत्वपूर्ण है उसे पहले ध्यान देकर ठीक से करने की कोशिश करें। भले ही आपको अभी मार्ग और मदद नहीं मिल रही हो लेकिन अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। वक्त के साथ साथ योग्य लोग और योग मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। काम से संबंधित हुई छोटी गलती के कारण भी आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए काम को ध्यान पूर्वक करना होगा। पार्टनर के साथ ठीक से संवाद ना बने रहना आपके लिए तकलीफ का कारण बनेगा। गर्दन और कंधे से संबंधित तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, पुराने नकारात्मक मुद्दों को वर्तमान जीवन पर हावी ना होने दें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज्यादा अंकुश लगाना उन्हें जिद्दी बना सकता है। नजदीकी संबंधियों के साथ संबंध को मधुर बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है। ईगो की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। अपने साथी के साथ सकारात्मक वार्तालाप करने का प्रयास करें। आपने वास्तव में उपयुक्त तरीके से अपने साथी के साथ वार्तालाप नहीं की है और अभी तक आप आनंद और अपने रिश्ते को हल्के में ले रहे थे। ये समय है कि आप दोनों किसी प्राकृतिक जगह पर जाएं, ताकि ऐसी जगह जाने से आप दोनों में सकारात्मक ऊर्जा और भावना का संचार हो, जिससे आप दोनों को खुलने में मदद मिलेगी। आपके रिश्तों में मजबूती भी आएगी। बात करते हैं करियर की। अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप आज वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहकर्मियों से सलाह लें। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका दिन ऑफिस में अच्छा जाएगा। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। कंप्यूटर मीडिया आदि से जुड़े लोगों से में लाभदायक स्थितियां बन रही है। किसी नए कार्य को शुरू करने की रूपरेखा भी बनेगी।
बात करते हैं सेहत की। आप आज ऊर्जा से भरे हैं, अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग खुद को फिट और स्वस्थ रखने के प्रयासों में करें। हर रोज नियमित और सही तरीके से एक्सरसाइज करने को अपनी आदत बनाएं। इस बारे में समर्पित रहें और टालमटोल ना करें। आपको अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बहुत ही महंगी पड़ेगी, इसलिए अपने रूटीन, स्वास्थ्य संबंधित अपनी आदतों पर खास ध्यान दें। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को भोजन करवाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।